और फटाफट खबरों के बाद आइए खबरें विस्तार से आपको बता देते हैं। और सबसे बात पहले बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम के आज नतीजे भी आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि रुझानों में आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 4, बीजेपी 3 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी को देखिए यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। पिछली बार इस पर बीजेपी का कब्जा था और अब इन तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 35 वार्डों में चंडीगढ़ के 203 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 3 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीट पर आगे चल रही है। चंडीगढ़ नगर निगम विधान के चुनाव के जो रुझान हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी इस समय सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। रोहित बंसल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अभी तो फिलहाल जो रुझान नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है ऐसा लगता है और कांग्रेस कहीं पीछे छूट रही है। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चंडीगढ़ एमसी इलेक्शन की तो धीरे धीरे रिजल्ट बदलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बाहर कोई बड़े नहीं होते इसलिए बहुत जल्दी रिजल्ट चेंज होता है। तो जो अभी का लेटेस्ट रिजल्ट है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी सामने आ रही है। बीजेपी के पास 4 सीटों पर लीड चल रही है, उसी के साथ आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर लीड कर रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी 2 एमसी वार्ड पर लीड कर रही है और सबसे पहली जीत कांग्रेस पार्टी रही है और सबसे पहली जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है। सबसे पहला रिजल्ट वार्ड नंबर 13 से गौरव जो आ रहे हैं, गौरव गालिब हैं, उनकी जो जीत हुई है, सचिन गालिब की जो जीत हुई है। और इसी के साथ चंद्रमुखी शर्मा आम आदमी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ा चेहरा चंद्रमुखी शर्मा का माना जा रहा था, वो वार्ड नंबर 13 से इलेक्शन हार गए हैं। तो चंडीगढ़ नगर निगम में सबसे पहला रिजल्ट कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली सीट जीत ली है, 4 पर बीजेपी, 3 पर आम आदमी पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है जो अभी तक रिजल्ट आउट हुए हैं। तो सबसे पहली जीत कांग्रेस की हुई है। अगर चंडीगढ़ एमसी की बात की जाए तो टोटल 35 वार्ड है। एक बार फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 4 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। रोहित, ये रुझान बार बार बदल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में बाढ़ की कोई जो एरिया है वो बड़ा नहीं होता, इसी वजह से धीरे धीरे रिजल्ट है जो चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी पीछे चल रही थी लेकिन अभी बीजेपी लीड कर रही है। थोड़े आधे घंटे पौने घंटे के अंदर अंदर जैसे जैसे और वोटों की गिनती होगी तो रिजल्ट धीरे धीरे चेंज होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहली जीत कांग्रेस को मिलती जरूर दिखाई दे रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को केवल 18 सीटें चाहिए चंडीगढ़ में अपनी सरकार बनाने के लिए। वहीं किसी दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, तो उनको 19 सीटों पर जीत प्राप्त करनी होगी क्योंकि एमसी इलेक्शन में एक वोट एक सीट एमपी की भी काउंट की जाती है और चंडीगढ़ में एमपी किरण खेरा, तो इसलिए बीजेपी सीधी सीधी एक सीट उनके पास है। तो अगर उनको सरकार बनानी है 35 प्लस 1 36 और 18 और 19 का जो आंकड़ा है उसको छूना पड़ेगा कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, और वहीं केवल बीजेपी को 18 की जरूरत है। तो बीजेपी के एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।